पेले की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दिनों देश भर में बहस का मुद्दा बने हुए हैं। पति ने जिसे पढ़ाया लिखाया उस पति ने अधिकारी बनने के बाद पाला बदल दिया, ऐसे ही आरोप ज्योति मौर्य पर लग रहे हैं और ज्योति के बहाने हर महिला पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं का नारा बुलंद किया जा रहा है। कई पतियों ने तो पत्नियों को पढ़ाना तक भी बंद कर दिया। ये सोच कितनी सही है इस पर आप कोई फैसला लें उसके पहले देवास की ममता बाई और कमरू की कहानी भी जानना जरूरी है। अपने पति को पढ़ाने के लिए ममता नौकरानी बनी, लेकिन पति जब पढ़ लिख कर अफसर बन गया तो उसे पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया। जिस पत्नी को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाया, अधिकारी बनने के बाद उसने नाता ही तोड़ दिया। यूपी के ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की इस कहानी की चर्चा पूरे देश में है। जब आलोक मौर्य ने अपनी दास्तान सुनाई तो उसके आंसुओं पर पूरा देश पिघल गया। कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को पढ़ाना तक बंद कर दिया। ज्योति मौर्य को बेवफा बताकर सभी महिलाओं को शक की नजर से देखा जा रहा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो जरा इस महिला को सुनिए। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में ये मामला भी बिल्कुल ज्योति आलोक जैसा ही है। बस फर्क इतना है कि पति की जगह पत्नी के साथ हुई है बेवफाई। यूपी के आलोक की तरह देवास की ममता बाई को मिला है धोखा। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में हाँ। ममता बाई ने पति को पढ़ाने के लिए घरों में नौकरानी तक का काम किया। पत्नी के सहयोग से पति कमरू सेल्स टैक्स अधिकारी बना, लेकिन अफसर बनते ही वो पत्नी को भूल गया। बागली इलाके में रहने वाली ममता बाई के मुताबिक पहले पति की मौत के बाद अलीराजपुर के जोबट में रहने वाले कमरू से उसकी नजदीकी बढ़ी। वो 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान कमरू इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। ममता बाई का कहना है कि उसने अपने पैसों से कमरू को पढ़ाया। वो बताती हैं कि इसके लिए घर घर नौकरी और बस में कंडक्टरी भी की, अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही कमरू का सिलेक्शन पीएससी में हुआ उसकी नीयत बदल गई और उसने ममता को पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया, दूसरी शादी भी कर ली। शुरू से यानी कि रतलाम का बताऊं कि शुरू से पढ़ाया लिखाया वहाँ, मेरी धार में हुई थी जी। हाँ। आपने लव मैरिज करा था जी सर। हाँ। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लव मैरिज करके मेरे को उनके घर ले गए। हाँ। उनके घर ले जाने के बाद हम इंदौर आ गए जी। जी। इंदौर आने के बाद मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करा, स्कूलों में काम करा। जिससे लव मैरिज करा था वो कुछ नहीं करता था क्या? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते, बेरोजगार थे। बेरोजगार था। पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे, तैयारी कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। जब एक बार ऐसा हुआ हमारे हाथा पाई, उसके बाद नहीं रखू तेरे को, ये वो अनपढ़ है, ऐसा करके मेरे को घर भेज दिया, मम्मी पापा के यहाँ भेज दिया। फिर मैंने एसडीओपी साहब के यहाँ खाना बनाया, उनके यहाँ भी झाड़ू पोछा बर्तन करे। फिर उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने हेल्प करी मेरी। फिर उन्होंने उसको थाने में बुलाया छोटा सा आवेदन देके, तो उन्होंने फिर मेरे को समझौता करके ले गए कि मैं तेरे को रखूंगा जीवन भर तक। 4 महीना बाद फिर वापस मेरे को छोड़ के भाग गए रतलाम। कि उधर ही लो मैरिज कर ले, हमको तो पता ही नहीं कि इन्हें लो मैरिज करी है। इन्हें उधर ही लो मैरिज कर ले, और उधर जाने के बाद में फिर इनका भाई होने सब नाराज हो गए। इनका पिताजी ने तो बोले तुमने हमको पूछ के नहीं करा, तो ऐसे करके नहीं तो कोई यहाँ का सहज नहीं मिल रहा। बेचार क्या करो, मेरे लड़की बहुत परेशान है। ममता बाई का कहना है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अधिकारी बनने के बाद कमरू ने साथ रहने से इनकार कर दिया। बागली न्यायालय में उनका मामला भी चल रहा है। ममता बाई ने बताया कि 12,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता कमरू को देना था, जो कि लंबे समय से नहीं दिया गया। कमरू की पोस्टिंग रतलाम में है। ये भी बताया कि जब कमरू ने रिश्ता तोड़ा तो ममता जन सुनवाई में भी पहुंची थी और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने समझौता कराते हुए उनकी शादी करवाई थी। बरेली के एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उसके पति आलोक मौर्य के आरोपों के बाद ये तक बहस छिड़ गई है कि पत्नी को पढ़ाना आगे बढ़ाना कितना सही है। ऐसी सोच का जवाब है ममता कमरू का ये मामला। अगर ज्योति या कमरू ने बेवफाई की है, अगर उन पर लगे आरोप सच हैं, तो ये जाहिर है कि बेवफाई का महिला या पुरुष होने से
कोई नाता नहीं। जिन रिश्तों का आधार प्यार होता है वो पद या पोस्ट से बिगड़ते नहीं। वरुण राठौर, न्यूज 18, देवास। छत्तीसगढ़ में पार्टियां